के बाद बढ़ते आगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र चिंतित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल वीसी लेंगे। सभी राज्यों के चिकित्सा मंत्री, एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव रहेंगे वीसी में मौजूद। राजस्थान में एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह समेत अन्य चिकित्सा अधिकारी भी कनेक्ट होंगे। राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व कोरोना की रोकथाम के लिए जारी प्रयासों के बारे में भी रिपोर्ट देंगे। मनसुख मांडविया कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सभी राज्यों के चिकित्सा मंत्री, एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव भी इस वीसी में मौजूद रहेंगे, सीधे तौर पर कनेक्ट होंगे। राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व कोरोना की रोकथाम के लिए भी जारी प्रयासों के बारे में रिपोर्ट देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र चिंतित है। वही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट है। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह ने सचिवालय में बैठक ली, प्रदेश भर में सामने आ रहे ILI केस को लेकर जानकारी ली है और साथ ही सभी जिलों में रैंडम सैंपलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र के निर्देशों की पालना में रिवाइज गाइडलाइन जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में भी अलर्ट है, जहां चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह ने सचिवालय में इसे लेकर बैठक ली। प्रदेश भर में सामने आ रहे ILI केस को लेकर भी जानकारी ली गई है और साथ ही सभी जिलों में रैंडम सैंपलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं कि एक बार फिर से जिले में रैंडम सैंपलिंग हो। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर को इसे लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक तो जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार भी इसे लेकर चिंतित है और यही वजह कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जिसमें प्रदेश से भी जुड़ेंगे अधिकारी, लेकिन साथ ही साथ नया वेरिएंट जो मिला है केरल के अंदर, जिस तरह नया वेरिएंट मिला है उसके बाद में केस भी बढ़े हैं और साथ में मौतें भी अधिक दिखाई हुई है। उसके बाद में पूरे देश भर में अलर्ट है। स्वास्थ्य सचिव जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है, उनके पत्र के बाद में राजस्थान में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज सुबह एसीएस शुभ्रा सिंह है, उन्होंने बैठक ली और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पूरे स्टेट की उनको लेकर के व्यवस्थाओं का जायजा दिया और साथ में एक पूरी कार्य योजना बना करके, एक्शन प्लान बना करके और साथ में जो ILI के केस है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी पूरे क्षेत्र में जारी किए हैं। इससे पहले भी पूरी तैयारियां हमने देखा कि राजस्थान में मॉकड्रिल जो है वो की गई थी और पूरे संसाधनों को तैयार किया गया था, समझा जाता गया था। उसी अनुरूप एक बार फिर से पूरे राजस्थान की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल केंद्रीय मंत्री जो है वो वीसी के जरिए पूरे राज्यों की समीक्षा करेंगे और उस दौरान राजस्थान से डीसीएस शुभ्रा सिंह जो है पूरी रिपोर्ट देगी, पूरा प्रेजेंटेशन करेंगे और साथ में बताएगी राजस्थान की तैयारियों को लेकर भी क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदेश में भी अलर्ट है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी और इसीलिए ही सचिवालय में चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह ने बैठक ली है, जानकारी ली जा रही है। प्रदेश भर में भी जो सामने आ रहे ILI केस से लेकर जानकारी भी ली जा रही है और सबसे अहम बात है कि देखिए अब सभी जिलों में रैंडम सैंपलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। रैंडम सैंपलिंग से भी जानकारी मिल सकेगी कि आखिर कितने परसेंट इसकी जद में आए हैं या उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है।